नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। यहाँ हम डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडी का फुल कोर्स प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है नेट कॉमर्स के लिए, CPT के लिए, CS फाउंडेशन के लिए एंड अदर कोर्सेज के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग यूनिट के 20 इम्पोर्टेंट MCQs। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि अभी तक आपने प्लानिंग यूनिट नहीं पढ़ी है तो वीडियो लेक्चर से टोटल 4 वीडियो लेक्चर ऑन प्लानिंग यूनिट मैंने अपलोड किए थे, तो आप पहले प्लानिंग की यूनिट की स्टडी कर लीजिए उसके बाद MCQ कीजिए। यदि आप डायरेक्ट MCQ कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग का पहला स्टेप होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेज, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स या फिर फॉलोअप। तो आप सोचिए, मैंने आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था, तो पहला स्टेप ऑफ प्लानिंग क्या होता है? बिल्कुल सही, बी आंसर इसके अंदर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो बी आंसर इसमें आ जाएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान इज, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान क्या होता है? रूल, पॉलिसी, बजट या प्रोसीजर। जब मैंने टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ाए थे लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान कौन सा होता है, तो सोचिए। बिल्कुल सही, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान होता है रूल, तो ए आंसर इसके अंदर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी इज, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, नन ऑफ दीज, आई डोंट नो, सोचिए क्या आएगा। ये मत सोचिए कि डी ऑप्शन कर देंगे तो सही होगा, इसमें आंसर आएगा सी, नन ऑफ दीज। जो स्ट्रेटजी होती है और ऑब्जेक्टिव होते हैं वो न तो सिंगल यूज प्लान है न ही स्टैंडिंग प्लान है, ये मैंने आपको बताया था। फिर देखिए, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, प्लानिंग इज कंडक्टेड एट TLM, MLM, LLM या ऑल द लेवल। प्लानिंग कौन से लेवल पर की जाती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पर, मिडिल लेवल पर, लो लेवल पर या सभी लेवल पर? तो इसका आंसर आएगा डी, प्लानिंग सभी लेवल पर की जाती है। मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग परवेसी होती है, तो सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्लानिंग इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ सक्सेस, प्लानिंग की वजह से सक्सेस मिलने के चांसेज बढ़ जाते हैं। ट्रू है, फॉल्स है, डिपेंड करेगा, नन ऑफ दीज। कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर सी सोच रहे हैं कि सक्सेस मिलना या नहीं मिलना डिपेंड करेगा, लेकिन इसका आंसर सी नहीं आएगा, ए आंसर आएगा। देखिए, चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे ना सक्सेस होने के, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि प्लानिंग करने से सक्सेस मिल ही जाएगी, चांसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रू है। फिर देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इसमें से प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन नहीं है, कमी नहीं है? इट इन्वॉल्व कॉस्ट, नॉट ए गारंटी टू सक्सेस, वर्क्स इन डायनेमिक मैनर, इन्वॉल्व टाइम। तो देखिए क्या आंसर आएगा। जो अपना सबसे पहला पॉइंट है, इट इन्वॉल्व कॉस्ट, ये लिमिटेशन है या नहीं है? है। नॉट ए गारंटी टू सक्सेस, ये भी लिमिटेशन है। वर्क्स इन डायनेमिक मैनर, ये नहीं था। इन्वॉल्व टाइम, ये भी था। तो सी आंसर इसका आ जाएगा, वर्क्स इन डायनेमिक मैनर। और वैसे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूज प्लान, इनमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान होता है? रूल, मेथड, प्रोग्राम, नन ऑफ दीज, सोचिए क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा सी, जो बजट एंड प्रोग्राम होते हैं वो सिंगल यूज प्लान होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट फ्लेक्सिबल प्लान, ये जो 4 टाइप के प्लान दे रखे हैं इनमें से सबसे कम फ्लेक्सिबल कौन सा है? मेथड, प्रोसीजर, बजट, रूल, सबसे कम फ्लेक्सिबल कौन सा होता है? तो आंसर आ जाएगा डी, रूल। रूल सबसे कम फ्लेक्सिबल होता है सबसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ प्लान प्रोवाइड ब्रॉड काउंटर, कौन सा प्लान ब्रॉड काउंटर प्रोवाइड कराता है? ब्रॉड काउंटर का मैंने आपको मीनिंग बताया था, ब्रॉड काउंटर का मतलब एक तरीके से मैप।
तो कौन सा प्लान ब्रॉड काउंटर प्रोवाइड कराता है? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, प्रोसीजर, मेथड, क्या आंसर आएगा? इसमें आंसर आएगा बी, स्ट्रेटजी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग इज पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, रूल, स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग क्या है इनमें से? पॉलिसी होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, रूल होता है, स्ट्रेटजी होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11, प्लानिंग प्रीमाइसेज आर, प्लानिंग प्रीमाइसेज का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्डिंग होता है, अजम्पशन होता है, इवेल्युएशन होता है। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर बी कर रहे हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं आएगा, वो अकाउंट्स में प्रीमाइसेज होता है। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर इवेल्युएशन कर रहे हैं, ये भी नहीं होता है। प्लानिंग प्रीमाइसेज का मीनिंग मैंने अजम्पशन बताया था, तो अजम्पशन इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट स्टेप्स आर टेकन टू रिड्यूस द लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स? अल्टरनेटिव्स की लिस्ट कम करने के लिए क्या स्टेप लिए जाते हैं? फिक्सिंग मेथड, मेथड फिक्स कर देंगे, या फिर सेटिंग मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया, मेकिंग प्लान, अपॉइंटिंग एक्सपर्ट। तो देखिए क्या आंसर आएगा, ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, इसका आंसर आएगा बी, सेटिंग मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया। देखिए मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया क्या होता है, अपन कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे कि हमें कौन सा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, उससे नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स कम हो जाएंगे। जैसे हमें कोई मोबाइल परचेज करना है, हम शॉपकीपर के पास जाएंगे और हमने उसको बोला कि हमें एक मोबाइल चाहिए, तो वो हमें हजारों टाइप के मोबाइल दिखा देगा, तो हजारों टाइप के अल्टरनेटिव्स हो गए और उन हजार का अपन को इवेल्युएशन करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो हमने कुछ मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया बता दिए कि हमें जो मोबाइल चाहिए वो कम से कम 8,000 रुपये का होना चाहिए, मैक्सिमम 15,000 का होना चाहिए। तो ये मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया हो गया, इससे अल्टरनेटिव्स कम हो गए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कोई मशीनरी परचेज करना चाहती है, तो अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा हो गए। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 12 लाख ही इन्वेस्ट करेंगे, तो वो मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया हो गया, उसकी वजह से नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कम हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है? फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, लास्ट फंक्शन है, नन ऑफ दीज, बोथ आर ट्रू, क्या आंसर आएगा? कुछ स्टूडेंट इसका आंसर बोथ आर ट्रू कर देते हैं, इसका आंसर आएगा फर्स्ट फंक्शन ए। मैंने आपको बताया हुआ है कि मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं, पोस्ट, डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग उनमें से फर्स्ट फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग है, बोथ है, नन है। इसमें भी कुछ स्टूडेंट आंसर सोच रहे हैं कि ए आएगा या सी आएगा, तो इसमें आंसर आएगा सी, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। देखिए जब मैंने आपको प्लानिंग की फीचर्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग बताया था, तो यदि ऑप्शन में दे रखा हो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, तो आपको आंसर बोथ करना है। अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा हो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, तो आप आंसर सिर्फ फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट करना हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में से, तब तो फॉरवर्ड सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ऑप्शन हो बोथ तो हम बोथ कर देंगे। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। फॉरवर्ड लुकिंग यानी फ्यूचर को ध्यान में रखना, और बैकवर्ड लुकिंग यानी पास्ट को ध्यान में रखना। तो प्लानिंग करेंगे तो फॉरवर्ड लुकिंग तो है ही, क्योंकि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, और प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है। जब हम प्रेजेंट में प्लान बना रहे हैं तो हम पास्ट को ध्यान में रखेंगे कि पिछली बार अपन से क्या क्या मिस्टेक हो गई थी, तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है बिकॉज प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर, एंड प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कॉम्प्रीहेंसिव प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कॉम्प्रीहेंसिव प्लान कौन सा होता है? ये वाला क्वेश्चन इस लास्ट CTSE के एग्जाम में आया था। आंसर क्या आएगा? प्रोसीजर आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, स्ट्रेटजी आएगा, पॉलिसी आएगा, क्या आंसर आएगा? तो इसका आंसर आएगा ए, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी की डेफिनेशन ही मैंने ये बताई थी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी इज, पॉलिसी क्या है? जनरल गाइडलाइन है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, गाइड्स द एम्प्लॉयज, नन ऑफ दीज। इसमें आंसर आएगा ए। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि सी आंसर आएगा, सी नहीं आएगा, पॉलिसी मैनेजर्स को
गाइड करती है नेकी एम्प्लॉयज को, तो इसके अंदर सी आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट हमारे फोर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है। प्लानिंग इज कंटिन्यू, प्लानिंग इज परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, नन ऑफ दीज। तो आंसर आ जाएगा इसमें नन ऑफ दीज। प्लानिंग कंटिन्यू भी होती है, परवेसिव भी होती है, फ्यूचर के लिए भी होती है, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, विच प्लान इन्वॉल्व सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, कौन से प्लान में सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है, पॉलिसी होता है, मेथड होता है, प्रोसीजर होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए आंसर आएगा इसमें प्रोसीजर। प्रोसीजर में मैंने एक वर्ड याद करवाया था सिक्वेंस, तो जिसमें भी सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होता है वो प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है टोटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के टोटल फंक्शन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 5। तो बी इसका आंसर आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं नेट कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ, देखिए मैनेजमेंट के टोटल कितने फंक्शन होते हैं इस बारे में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। जनरली हम 5 फंक्शंस मानकर चलते हैं, ये कुंटज एंड ओडोनेल ने कहा था, हेनरी फ्यूल ने अलग फंक्शन बताए, लूथर गुलिक ने अलग फंक्शन बताए। तो जब मैं आप लोगों के लिए नेट कॉमर्स के लिए अलग से वीडियो लेक्चर डालूंगा वहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं 12th कॉमर्स के स्टूडेंट के हिसाब से बताया मैंने कि टोटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन है सुपरवाइजर इज, ये देखिए क्वेश्चन वैसे प्लानिंग वाली यूनिट का नहीं है, फर्स्ट यूनिट नेचर ऑफ मैनेजमेंट का है, लेकिन आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो आप लोगों को आना चाहिए कि सुपरवाइजर टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होता है या लो लेवल मैनेजमेंट में होता है। तो इसका आंसर आएगा सी। तो आज स्टूडेंट बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।